हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज बनाते हैं मूंग दाल का मसाला खिचड़ी। इसके लिए मैं यहाँ पे आधा ग्लास चावल और आधा ग्लास मूंग लूँगी। और आप लोगों के घर में जो भी सब्जी होगा आप लोग ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चावल और मूंग को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हल्का फ्राई करेंगे। हमारा फ्राई हो गया है, देखिए एक जगह पे इसको निकाल देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी देके रख देंगे। फिर गैस में हम लोग कुकर बिठाएंगे। कुकर गर्म हो गया, हम लोग तेल दे देंगे। फिर इसमें तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग और गोलमरीच और एक बड़ा इलायच, छोटा इलायच और दो कच्चा मिर्च को देके भूनेंगे। फिर इसमें प्याज दे देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए प्याज हो गया। फिर हम लोग इसमें सब्जी ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक देंगे, थोड़ा सा हल्दी देंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मिक्स हो गया। अब इसमें हम लोग सब्जी मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम लोग धनिया पाउडर देंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया है देखिए। फिर हम लोग इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। आपको अगर टमाटर पसंद नहीं है तो टमाटर स्किप कर सकते हैं। अब हम लोग चावल और दाल को अच्छे से धो के इसमें डाल देंगे। देखिए फिर इसको अच्छे से थोड़े देर 2 मिनट के लिए चलाएंगे। फिर हम लोग इसमें पानी दे देंगे। आपको अगर पानी वाला खिचड़ी खाना है तो ज़्यादा पानी दीजिएगा, और नॉर्मल वाला खाना है तो कम पानी दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हम लोग इसमें 4 सीटी लगाएंगे। 4 सीटी हमारा हो गया है। देखिए हमारा खिचड़ी पूरा रेडी है। हम लोगों को पानी वाला खिचड़ी पसंद है इसलिए पानी वाला बनाई हूँ। आप लोग भी बना के खाइए। थैंक यू।